द फाइनल पेयर फॉर द शो इज सौरभ मील हुई सपोर्टिंग द नोशन एंड शाम्बी अगेंस्ट द नोशन सो सौरभ आर यू रेडी Yes, आई एम रेडी थोड़ा जोर से बोलिए Yes, आई एम रेडी थोड़ा माइक के पास आ जाइए हेलो हेलो अब ठीक है शाम्भवी माइक के पास आ जाइए आप Three, two, one, गो देखिए मैं अपनी जो ये डिबेट स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जितना मैं प्रिपेयर करके लाया था उतना तो ये सब बोल चुके हैं तो अब ये तो किसी काम का है नहीं तो अब स्टार्ट करता हूँ वो जो मैं अपने मन से सोच रहा हूँ सोशल मीडिया की बात हम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया की बात करें तो सबसे पहले डेटा के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे आटा कम और डेटा ज्यादा खाते हैं तो सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा माध्यम है हम सब के लिए रोजगार के नजरिए से यदि देखा जाए तो हर हफ्ते स्टडी सी वी डॉट कॉम की रिपोर्ट को माने तो चार करोड़ लोग लिंक इन को देखते हैं अपने रोजगार के लिए इतना ही नहीं अब से तीन चार महीने बाद आप सब भी उसी का इस्तेमाल करेंगे अपने अपने रोजगार अवसरों के लिए तो ऐसे में सोशल मीडिया एक अभिशाप कैसे हो सकता है सोशल मीडिया

तो ऐसे में सोशल मीडिया एक अभिशाप कैसे हो सकता है यही सोशल मीडिया है, जिसकी सौरभ द्विवेदी जी को सुन सकते हैं जिनकी टी शर्ट पहनकर ऋतिक राजपूत पूरा दिन घूमते रहते हैं और इस वक्त कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक अभिशाप है सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा वरदान है सोशल मीडिया की अपार सफलता को यदि आप मापे तो सोशल मीडिया इस मीडिया प्लेक्स में नहीं समा पाया इसीलिए तो आईटीजी ने अलग से एक बिल्डिंग खरीद ली ताकि तक्स को अकोमोडेट किया जा सके ऐसे में सोशल मीडिया का अभिशाप कैसे हो सकता है अगर ये सोशल मीडिया ही ना होता तो मुझे ऐसा लगता है कि अब से छह महीने बाद जो हम हर साल हंड्रेड प्लेसमेंट लेते हैं शायद वो 30 ही रह जाता क्योंकि पर तो इतनी वैकेंसी है नहीं तो ऐसे में सोशल मीडिया एक अभिशाप कैसे हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता ये सोशल मीडिया की ही ताकत है कि घर पे बैठी तैयारी करने वाली दिव्या तंवर आज आईपीएस ऑफिसर बन गई है घर पर बैठकर तैयारी करने वाला हर युवक सीडीएस ओटी एस जैसे बड़ी बड़ी संस्थानों में अफसर बन सकता है तो ऐसे में सोशल मीडिया अभिशाप कैसे हो सकता है देखिए दोस्तों सोशल मीडिया

कि आग हाथ जलाने का भी काम करती है और खाना बनाने का भी काम करती है यह हमारे नजरिए पर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करें धन्यवाद थैंक यू सौरभ यू रेडी यस थ्री टू वन एंड स्टार्ट सो नेम इज शाम आई विल बी स्पीकिंग अगेंस्ट द मोशन सो so, जहाँ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हमें अपने दूर दराज के लोगों को मिलाती है तो वहीं हमारे पास रहने वालों को दूर करती है आज जब हम लोग मीडिया प्लेक्स आए हैं तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने सुबह से फ़ोन और वीडियोस में फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दिया होगा अभी मेरा दोस्त ही देख लीजिए वहाँ मेरी फ़ोटो और वीडियो निकाल रहा है क्योंकि मुझे भी जाके सोशल मीडिया पर डालना है और कहीं ना कहीं हम रानू सर भी फ़ोटो ले ले होंगे क्योंकि हम लोगों का ये हो चुका है कि हम प्रेजेंट में जीने की जगह हम लोग लिटरली जो वहाँ दूर बैठे लोग हैं उन कनेक्ट करते हैं आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चे जन्म नहीं लेते कि माँ बाप उनका सोशल मीडिया का अकाउंट बना के बैठ जाते हैं आज जहाँ बच्चे जहाँ हम जिस उम्र में दो दुनी चार का पहाड़ा याद करते थे आज वहाँ पे वो चिकनी चमेली जैसे अश्लील गानों पे नृत्य करते हैं और रील्स बनाते हैं और वहीं वो पीडो जो है उनके अगेंस्ट सॉरी पीडो के साथ वो कहीं ना कहीं उनके चंगुल में फंसते जाते हैं फिर उसके बाद जिस उम्र में हम सोचते थे कि यार दसवीं में कितने अंक आएंगे ग्यारहवीं में हम क्या करेंगे तो व्यूज़ के लिए व्लॉगिंग के लिए बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं क्योंकि यूट्यूब पर व्यूज़ आएंगे उनको पैसा मिलेगा और माँ बाप भी इनको सपोर्ट करते हैं और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सिर्फ युवाओं तक सीमित है ये आजकल के दादी और नानी तक की जनरेशन तक जा चुकी है कि जहाँ बच्चों को लोरियाँ सुनाई जाती थी वहाँ आज यूट्यूब पर वीडियो लगा के बोलते हैं लो बेटा तुम भी देखो हम भी देखेंगे साथ में सोशल मीडिया इसलिए इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसका एक और रूप है ओ टी टी ओ टी टी से कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर होकर उनसे प्रभावित होकर बच्चे क्राइम की दुनिया में जा चुके हैं चौदह पंद्रह साल के बच्चे पुष्पा मूवी जैसे मूवीज देख देख के इतने भयानक अपराध कर चुके हैं सोशल मीडिया का सिर्फ लोगों के जीवन पे ही नहीं देश की सुरक्षा में भी एक बहुत अहम मुद्दा उठता है क्योंकि हाँ एक सर्वे के अनुसार अलकायदा और आई एस एस जैसे जो लोग हैं वो अपने समुदाय के संगठन उग्र विचार रखते हैं इन जगह ताकि अवाम में डर फैले एक समय था जब आए से सर धड़ से अलग करता था और उसकी वीडियो यूट्यूब पर डालता था तो ये ऐसी एक चीज हो चुकी है कि जिससे हम छोड़ नहीं सकते हम सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में फोन होता है जब हम रात में सोते हैं तो हमारे हाथ में फोन होता है अगर हमारी कोई तस्वीर हमें बहुत अच्छी लगती है अगर उसमें सिर्फ चार लाइक आए ना तो वो फोटो ही बुरी लगने लगेगी वो फोटो ही बेकार है या हमारी खुशी नहीं चलती है कि हम लोग क्या चाहते हैं वो ये देखता है कि लोगों को पसंद आएगी तो हमें अच्छा लगेगा सोशल मीडिया का आज इतना विकराल रूप है कि इसका कोई अंत नहीं है कोई सीमा नहीं है सरकार ने बहुत कोशिश की थी कि उसे समेट सके उसे संभाल सके पर नहीं हो रहा है ये वो राक्षस है जिसके दस से दस पैर होते उस तरीके से इसने भी दस जगह दसों दिशाओं में अपने हाथ पैर फैला रखे धन्यवाद थैंक यू श्याम्भवी

जैसे सौरभ ने बहुत सारे सोशल मीडिया के फ़ायदे गिना दिए लेकिन आपने जीवन में देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया हमें ऐसे भी नुकसान से रूबरू कराता है कि जिसकी हम जीवन में भरपाई नहीं कर पाते इंसान का जीवन जो है वो महत्वपूर्ण होता है और वो उससे चला जाता है इससे बेकार और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट क्या होगा और अगर सोशल मीडिया का इतना अच्छा यूज़ होता तो मैं वही कहूँगा कि देश में एक बार इंटरनेट बंद किया गया है कि देश का सौहार्द न बिगड़े इस वजह से देखिए आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा कि देश का सौहार्द अब पहली बार नहीं बिगड़ा है इंटरनेट बंद करके वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा नुकसान कम किया जा सके 1948 में 1947 में जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था तब कितने दंगे भड़के थे उस वक्त तो कोई सोशल मीडिया नहीं था चौरासी के सिख दंगों में तो सोशल मीडिया नहीं था सत्रह बैटल ऑफ प्लासी में तो सोशल मीडिया नहीं था बैटल ऑफ बक्सर में तो सोशल मीडिया नहीं था खानवा की लड़ाई में तो 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 सोशल मीडिया नहीं था तो तो हमेशा से होती रही हैं लोगों की जाने हमेशा से जाती रही हैं लेकिन हमें यह देखना होगा कि किस चीज के फायदे कितने हैं यदि वो हमें कुछ एक्स्ट्रा फायदा दे रही है तो इसमें बुराई क्या है आखिर कल को हम सब ये हमारे ऋतिक राजपूत जी जो दिन रात ललन टॉप की टी शर्ट पहन के घूमते हैं आज ये सोशल मीडिया में बुराई निकाल रहे हैं तो काफी मतलब हमें उसके पॉजिटिव साइड्स देखने चाहिए ना कि उसके नेगेटिव साइड्स देखने चाहिए। थैंक यू सौरभ। क्वेश्चन फॉर आलोक यू हैव यू मे जो आपने डिलीवर किया उसमें जो आपका पूरा डिबेट डिबेट का सारांश निकाला जाए तो आपने ये ये बताना चाहा कि जो युवा है वो पढ़ने के पढ़ने के समय कुछ और कर रहा है मतलब आपने बोला कि चेकनी चेकनी गाना सुन रहा है ऐसे इस तरह के आपने बोली मतलब मतलब आपका कहने कि युवा पढ़ नहीं रहा है बल्कि कुछ और कर रहा है लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि आज जब स्टडी आईक्यू और वर्ल्ड अफेयर जैसे यूपीएस के चैनल है उन पे, उन पे पे जब वीडियो वीडियो आती है तो इतने ज्यादा व्यूज हो जाते हैं कि जितने हमारे देश में यूपीएससी के तैयारी करने वाले लोग नहीं है मैं तो देखता हूँ कि सातवें और आठवें आठवें क्लास के लोग इस चीज को ज्यादा देख रहे हैं तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं कि जो युवा है युवा तबका है वो सोशल मीडिया पर गलत प्लीज तो जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना कि एक सही एक गलत तो वही ये भी एक जैसे किसी ने एल्गोरिदम का बात बोला था एल्गोरिदम भी ऐसे ही होता है कि आप पढ़ने जाते हो बट इतने सारे वीडियोस आते हैं ना कि भुवन बम के वीडियोस आ जाएंगे किसी के गाने का वीडियो आ जाएगा कहीं बीटीएस का वीडियो आ जाएगा तो वो हम पढ़ने जाते हैं बट चले हम कहीं और जाते हैं एक नोटिफिकेशन नहीं आता है कि हमारा ध्यान होता है क्या कि किसने क्या मैसेज कर दिया किसने क्या मैसेज कर दिया ये हमारे दिमाग में चलता रहता है तो पढ़ने जाने पढ़ने के लिए जिस तरीके हथियार है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान के लिए भी है कि वो किस तरीके से एक नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटकाता है हमारे सर ने कहा था कि आठ सेकेंड आज सोशल मीडिया के साथ आठ सेकेंड हमारी जो एक आग्रता है वो सिर्फ आठ सेकेंड रह चुकी है तो आप सोचिए ना कि अगर एक नोटिफिकेशन ही हम लोगों को भटकाने के लिए होता है चाहे वो किसी चीज़ का भी हो हमें बस एक नोटिफिकेशन आ जाए और फिर हम उस पर चले जाते हैं फिर एक बार इंस्टा खुल जाए तो दो तीन घंटे कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता रील्स बस ऐसे 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 करके हम स्क्रोल करने लगते हैं <laughs> तो पढ़ाई के लिए जितना जरूरी है ना बट ध्यान भटकाने के लिए भी बहुत कुछ है दोस्त का मैसेज आ जाए या दोस्त का कॉलेज है कि चल पबजी खेले तो आप पढ़ पाओगे आप ही नहीं पढ़ोगे थैंक यू सौरभ थैंक यू शामी नाउ लेट स्टार्ट विद आयर काउंटर आर्ग्यूमेंट जैसे आपने बोला सोशल मीडिया लोगों को जॉब्स के लिए और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन माध्यम फ्रॉड्स के लिए भी करते हैं हमने देखा है कि किस तरीके से धोखाधड़ी होता है और एक खत देखिए सोशल मीडिया भले ही कुछ फ्रॉड होते हैं लेकिन जागरूकता भी फैलाता है नटवर लाल के समय सोशल मीडिया नहीं था फिर भी वो ताजमहल को तक को बेचकर चले गए थे तो ऐसे में सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही फ्रॉड का ब्लेम लगाना बहुत ही गलत बात होगी मेरा सौरभ डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम मेरा शंभवी जी आपसे यही सवाल है कि आज के समय हम हर छोटे से छोटे काम को सोशल मीडिया के थ्रू कर पाते हैं जैसे कि आज का हमें शेड्यूल भी जीमेल पे भेज दिया गया था हर जानकारी हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही थी तो ऐसे में जब इतनी सहूलियत हमें मिलती है तो क्या हम थोड़ा बहुत नुकसान नहीं सह सकते उसका सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पे फायदे से ज्यादा नुकसान है तो जहां नुकसान जब ज्यादा होने लगता है तो वो कहीं ना कहीं फायदों को कम करने लगता है और जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है बस सोशल मीडिया भी वैसे ही एक चीज है so guys, they deserve your applause. Thank you,